हे गाइस, मैं आरती आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल लर्न लाइवली पर। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक वेट लॉस सूप की रेसिपी, जो कि विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है। साथ ही साथ ये लो इन कैलोरी, रिच इन फाइबर और प्रोटीन की भी अच्छी खासी मात्रा इसमें मौजूद है। तो आइए फटाफट से मैं आपको बताती हूँ ये हेल्दी सा वेट लॉस सूप कैसे बनाना है। तो ये जो वेट लॉस सूप मैं शेयर कर रही हूँ, ये लेंटिल एंड पम्पकिन सूप है, जो कि वेट लॉस के लिए सुपर इफेक्टिव है। तो सबसे पहले हमें चाहिए मूंग दाल। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 चम्मच मूंग दाल लेनी है। तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून मूंग दाल लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मूंग दाल ले लिया है। तो अगर आपको पता हो तो मूंग दाल इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, बहुत ही लाइट होती है और ये रिच इन प्रोटीन होती है। इस सिर्फ 2 बड़े चम्मच दाल में 6 ग्राम प्रोटीन है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हेल्दी दाल है। और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और ये वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे पीली वाली मूंग दाल मैंने ली है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए जो मेन है हमारा इसमें, वो है कद्दू, मतलब कि पम्पकिन। तो यहाँ पे पम्पकिन मैंने आधा कप लिया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15 कैलोरी है। ये रिच इन फाइबर होता है, जिसकी वजह से हमें भूख जल्दी नहीं लगती, हमारे पेट को लंबे समय तक ये भरा हुआ रखता है। और इसमें कई सारी विटामिंस पाई जाती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। बाकी और भी इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिंस मौजूद हैं, जो कि हमें वेट लॉस में हेल्प करता है। ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और साथ ही साथ कद्दू हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जो कि हमारे लिए आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बच्चों के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ अब हमें करना क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, वो हमें लेना है एक जार। तो अब इस जार में हम ऐड करेंगे, पहले सबसे पहले मैं कद्दू को ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप ये सूप बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप वेट लॉस डाइट पे होंगे तो आपको पता होगा कि ये पम्पकिन सूप कितना ज़्यादा, मतलब कि इफ़ेक्टिव होता है वेट लॉस के लिए। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, इससे इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है और ये आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस प्रोवाइड करता है। तो आप इस सूप को आप चाहें तो स्नैक्स की तरह ले सकते हैं या फिर आप इसको अपना प्रॉपर मील बना सकते हैं। तो जिस तरह से आप चाहें इसको इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। और एक ज़रूरी बात, अगर आपके पास कद्दू नहीं है तो आप यहाँ पे लौकी ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं। ये 2 तरह की सब्जियाँ आप ऐड कर सकते हैं सूप को बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कद्दू को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बिना पानी डाले हमें इसे ग्राइंड करना है। और आप जिस तरीके से मैंने कद्दू को कट किया था ना छोटे छोटे पीसेस में, उस तरीके से कट करके ग्राइंड कीजिएगा, तभी ये ईजिली ग्राइंड होगा। अब हम इसको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमें इसी जार में थोड़ी सी सब्जियों को और ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये 2-3 कलियाँ हैं लहसुन की और थोड़ा सा अदरक है। 1 टमाटर मैंने लिया है, मीडियम साइज़ का है, छोटा ही था। और यहाँ पे मैंने 1 प्याज ली थी, जिसमें से मैंने ये आधी से थोड़ी कम यहाँ पे इस तरीके से कट की है और जो बाकी प्याज है मैंने इस तरीके से बारीक कट करके रखा है। इसे कैसे ऐड करना है मैं आपको बताऊँगी। तो अब हम इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब हम इसको भी प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और अब हम इसमें ये जो दाल हमने रखी है वॉश करके, इसको ऐड करेंगे। और अब हम इस जार में लेंगे पानी और इस जार में जितनी भी चीज़ें लगी हैं इनको अच्छे से मिक्स करके यूज़ में ले लेंगे, कुछ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बंद करके ढककर आप इसको अच्छे से शेक कर लीजिए और ये पानी आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने पूरे 3 कप पानी लिया है, 750 ml करीब है ये पानी। पानी हमें थोड़ा इसमें ज़्यादा रखना है, ये एक तरह से हम पूरा स्टॉक बना रहे हैं अपने सूप का, इससे हमारा सूप बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, करीब 1/4 चम्मच। ये भी हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है हल्दी में। तो अब हम इसको गैस पर रखेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने इसको गैस पर रख दिया है, हाई फ्लेम रखेंगे और हम इसमें एक उबाल आ जाने का इंतज़ार करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक उबाल आ जाने देना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आने लगा है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पूरे सूप में अगर आप मुझसे पूछेंगे कितनी कैलोरीज़ हैं, तो इस पूरे सूप में करीब 190 टू 195 कैलोरीज़ हैं और इसमें आराम से 4 लोग सूप पी सकते हैं। तो पर पर्सन इसमें जो कैलोरीज़ हैं वो हैं 48 अराउंड।
तो यहाँ पे अच्छे से एक उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम को हम एकदम लो करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको करीब 15 मिनट से 12 से 15 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पर रहने देंगे। हमें सीटी नहीं लगानी है, बस लो फ्लेम पर इसको इस तरीके से कवर करके रखना है और लो फ्लेम पर अगर आप रखते हैं तो सीटी नहीं आएगी। तो 15 मिनट के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और इसको अच्छे से ठंडा हो जाने दिया है। ये देखिए यहाँ पर सीटी अपने आप निकल चुकी है। तो अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये पका कैसा है। तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से दाल और सभी सब्जियाँ पक गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से बंद करेंगे पहले एक बार हम इस तरीके से, और अब हम कुकर को शेक कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी दाल है और सब्जियां हैं वो अच्छे से मैश हो जाएंगी, मिल जाएंगी। या फिर आप इस स्पैचुला की मदद से, या फिर आपके पास ब्लेंडर हो तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से इसको हिला दूंगी ताकि अच्छे से मैश हो जाए। तो आइए अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए अभी अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, दाल भी अच्छे से पक चुकी है इसमें। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमें आगे क्या करना है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से सिंपल सूप को पी सकते हैं, ये उतना ही ज़्यादा हेल्दी है। बट इसको थोड़ा सा टेस्टी और बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा आगे का प्रोसेस बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गैस पर रखा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक छोटा चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे मैं कैनोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, इसमें करीब 35 से 40 कैलोरीज हैं। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। मैंने यहाँ पे एक लहसुन की कली को बारीक कट किया है और एक हरी मिर्च ली है। इसको अच्छे से हम हल्का सा स्टर करेंगे और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हींग। तो करीब एक चुटकी हींग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बस। हींग हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो ऐड कीजिएगा ज़रूर से। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अब ये प्याज। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक प्याज दिखाई थी जिसमें से मैंने थोड़ी सी पीसी थी और ये मैंने जो बची हुई प्याज थी उसको इस तरीके से कट कर लिया है बारीक। तो अब हम प्याज को इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे, हल्का सा हम इसको सुनहरा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपको गोल्डन नहीं करना है प्याज को। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और अच्छे से मैं इसको फ्राई करूँगी। तो आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे अगर डिनर में लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो भी हमें चाहिए होता है हमारे शरीर के लिए। सारी हेल्दी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, विटामिंस, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सभी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो आप इसे अपने डिनर में ज़रूर से लीजिए। अगर आप सिर्फ ये सूप पी लेते हैं और कुछ नहीं भी खाते तो ये आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। तो डिनर में अगर आप इसे लेते हैं तो ये आपको वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करता है। बहुत ही जल्दी आपका जो वेट लॉस प्रोसेस है वो हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप खाना भी खाते हैं तो थोड़ा खाना खाएं और 8 बजे से पहले खाना खा लें। और आप इसमें जो नमक होता है ना, अपने कोई भी अगर आप डाइट का खाना खा रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो नमक और चीनी की क्वांटिटी कम कर दीजिए और आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस हमें इतना ही प्याज को गोल्डन करना था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया है और गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें हम अपना ये जो सूप है इसको धीरे से ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। गैस की फ्लेम को हाई कर रही हूँ और एक उबाल आ जाने का इसमें इंतज़ार करूँगी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं सूप में बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को अब हम लो करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि सूप हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए प्याज एंड सभी चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे पूरे 5 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम पर पकाते हुए। ओपन करते हैं हम इसे। तो ये देखिए हमारा सूप बहुत ही अच्छा पक चुका है। आई नो आप में से कई लोगों ने पम्पकिन सूप ट्राई किया होगा, लेकिन क्या आपने इस तरह से ट्राई किया था? प्लीज़ बताइएगा और आप इसे ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी सूप अच्छे से तैयार है। यहाँ पे मैंने कटोरियाँ ली हैं और इस पर मैं सूप को सर्व कर रही हूँ। आप इस सूप को बना के रख सकते हैं फ्रिज में और जब आपको पीना हो तो आप इसको गर्म करके पी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहती हूँ। आप ना इस सूप में पतले पतले फुल्का जो होते हैं ना उसको बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, मैंने ट्राई किया है। तो आप इसके संग फुल्का भी खा सकते हैं और आप इसको इस तरह भी पी सकते हैं।
तो ये सूप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, अगर आपको पता हो तो पम्पकिन को सुपर फूड माना जाता है और ये इसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स विटामिंस मौजूद हैं जो कि हमारे वेट लॉस में हमें हेल्प करेगा। इसमें प्रोटीन की भी अच्छी खासी मात्रा है और ये फाइबर रिच है। तो अब हम इसको गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नींबू का रस, ताज़ी नींबू का रस निचोड़ सकते हैं ऊपर से। मैं यहाँ पे निचोड़ नहीं रही हूँ बट मैं इसे इस तरीके से गार्निश कर रही हूँ लेमन वेजेस से। इस तरीके से और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। साथ में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर, धनिया इस तरीके से। साथ में अगर आपको काली मिर्च पसंद हो तो आप क्रश काली मिर्च इसके ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा इस तरीके से। और अब मैं इसमें ऐड करूँ थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। तो इस तरीके से हमारा सूप बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता है। किसी को सर्व करते हैं तो देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए, लर्न लाइवली नाम से है मेरा पेज। और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देख सकते हैं। तो मैं आपको जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।